भारत में पहली बार मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अधानाम गेब्रियासिस ने इसे लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने आगाह करते हुए बताया है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है। कोरोना के डेल्टा जैसे वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार अपना रूप बदल रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि करीब करीब दुनिया के 100 देशों में फैल चुका डेल्टा वेरिएंट आने वाले दिनों में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन जाएगा और ये दुनिया में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट होगा। टेड्रोस ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और ये कई देशों में फैल रहा है। इसी के साथ हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। कोई भी देश अभी खतरे से बाहर नहीं है। डेल्टा स्वरूप खतरनाक है और ये वक्त के साथ और बदल रहा है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। जिन देशों की कम आबादी को टीके लगे हैं, वहां के अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। WHO चीफ ने दुनिया भर के नेताओं से अनुरोध किया है कि वे एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि इस सितंबर के अंत तक सभी देशों के कम से कम 10% लोगों को टीका जरूर लग जाए और अगले साल इस समय तक हर देश की 70% आबादी का वैक्सीनेशन जरूर हो जाए। उन्होंने दुनिया के संपन्न और ताकतवर देशों से टीके साझा करते रहने की भी अपील की है। टेड्रोस ने कहा कि टीके की 3 अरब खुराक दुनिया भर में पहले ही वितरित की जा चुकी है। विश्व स्तर पर दी जाने वाली टीके की खुराक में से 2% से भी कम गरीब देशों में है। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा सहित कई अमीर देशों ने 1 अरब टीके दान करने का संकल्प लिया है। WHO का अनुमान है कि दुनिया को टीकाकरण के लिए 11 अरब खुराकों की जरूरत है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए अब तक जो उपाय अपनाए जा रहे थे, डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए वो उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। मसलन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोते रहना और खान पान का ख्याल रखना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।